आज सावित्री व्रत का दिन है और ये देखो मैं तैयार हो गई हूँ। हम सब तैयार हो गए, मंदिर जा रहे हैं। मंदिर घर के सामने ही है, बहुत ही नज़दीक है। तो सुबह सुबह सब तैयार होके जा रहे हैं, बच्चे भी तैयार हो गए नहा धो के। ये हमारा मंदिर है, यहाँ ऊपर घर के जस्ट 50 मीटर के दूरी में ही है। तो फिर सब आ गए मंदिर और तैयार होते होते थोड़ा लेट भी हो गया क्योंकि बच्चे भी सब लोग थे। आज तो हम लोगों ने फास्टिंग रखा है, कोई खाना नहीं खाएगा, लेकिन बच्चे तो खाना खाएंगे। तो सुबह से उनके लिए कुछ बना दिया था और अब मंदिर आ गए। तो वहाँ आप ऑलरेडी देख सकते हो, हम लोग तो लेट ही है क्योंकि सारे लेडीज़ लोग ऑलरेडी आ चुके हैं। अपने पूजा के सामान भी उन्होंने यहाँ पे रख दिए हैं और हम भी लेके आ गए हैं। हमने भी वहीं पे साइड में अपने पूजा का सामान रख लिया है। हम साड़ी और जितने फल फ्रूट आते हैं घर से सभी लेडीज़ लोग वही लेके आते हैं। ये हमारा मंदिर है और अभी पंडित जी ने हल्दी दिया हुआ है जिसमें हमने अपना व्रत को व्रत में लगाना है। तो सभी लेडीज़ लोग आप देख सकते हो अपने व्रत में हल्दी लगा रहे हैं क्योंकि पंडित जी ने कहा है कि सब लोग लगा लो ताकि वो जब पूजा स्टार्ट करेंगे तो फिर उसमें गांठ लगाना है। तो उन्होंने कहा कि सब लोग व्रत में 7 गांठ लगाओ। तो फिर हमने गांठ लगाना शुरू कर दिया है। एक पूरे व्रत में 7 गांठ लगाने होते हैं। तो फिर हमने गांठ लगा लिया है क्योंकि इसी व्रत को उसके बाद फिर हमें अपने हाथ में पहनना है। और ये देखो यहाँ पे सभी ने अपनी अपनी साड़ियाँ रखी है। सावित्री ओषा के दिन ये सारा सामान उनके मायके से आता है, मम्मी के घर से आता है। जितने टाइप के फल फ्रूट है वो आता है, पहनने के लिए साड़ी आता है, जितनी भी श्रृंगार की चीज़ें हैं वो सब अपने मम्मी के घर से आता है। अगर मम्मी के घर से नहीं भी आता है सामान तो पैसे दे सकते हैं, पैसे से भी खरीद सकते हैं। अगर सपोज़ आप दूर रहते हैं तो लोग पैसे भेज देते हैं, तो मुझे तो मम्मी ने पैसे ही भेज दिए थे। तो मैंने अपने मनपसंद के सामान खरीद लिए थे सब और मैं आज आई हूँ गाँव में पूजा करने के लिए। ये जो पूजा है यहाँ पे अच्छा लगता है जब सब मिलजुल के करते हैं। ये देखो जैसी पूजा ख़त्म हुआ यहाँ पे पंडित जी ने सबको आशीर्वाद दिया। अभी प्रसाद बनना शुरू हो गया है। सब लोग जितने प्रसाद लेके आए हैं, अलग अलग फल फ्रूट लेके आए, आप देख सकते हैं बड़े से हांडी में सारे फल रखे जा रहे हैं। सबके सबके प्लेट में से सारे फल को इकट्ठा किया जा रहा है और इस बड़े से हांडी में सारे फल को रखे जा रहे हैं। और अभी इसी यहीं पर प्रसाद बनेगा और सभी लोग पूजा में खड़े हैं। और मंदिर में कब आओ, सबके साथ पूजा करो, तभी बहुत अच्छा लगता है। अकेले में इतना मज़ा नहीं आता। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि अपना गांव में अपने गांव के सभी लोग या रिलेटिव्स हैं तो सब खड़े हैं पूजा में और सबका प्रसाद मिलके बन रहा है यहाँ पे। अभी मंदिर में पंडित जी ने कहा है कि सबको पूजा करना है। तो फिर सभी लेडीज़ लोग आ गए यहाँ पे, सब एक लाइन बना के अभी भगवान को पूजा करके जाएंगे यहाँ पे। तो मैं भी आ गई हूँ। पंडित जी ने कुछ थाली में फूल सब दिया है तो वो हम चढ़ा रहे हैं यहाँ पे। और अंदर नारायण भगवान है हमारे, ये हमारे गांव का मंदिर है और यहीं पे हमारे गांव की हर पूजा की जाती है। तो पूजा हमने यहाँ पे कर ली है और यहाँ पे मेरी मम्मी भी आई हुई है, मम्मी भी पूजा करी है वहाँ पे। अब देख सकते हो मंदिर के अंदर बहुत ही चहल पहल है, बहुत भीड़ है, हर जगह प्रसाद, सबके साड़ी रखे हुए हैं यहाँ पे और बड़ा अच्छा माहौल है। सुबह सुबह का टाइम है, गर्मी है पर अच्छी हवा चल रही है, तो इतना पता नहीं चल रहा है। और पूजा करते करते भी काफ़ी लेट हो गया है। यहाँ पे भी प्रसाद भी बनी रहे और ये प्रसाद भी सब में बांटा जाएगा सब लोग, क्योंकि सबने आज फास्टिंग की होती है लेडीज़ ने, तो ये प्रसाद सबको थोड़ा थोड़ा दिया जाएगा। फिर वो प्रसाद लेके फिर अपने घर सब लोग जाएंगे, तो इसीलिए हम लोग वेट कर रहे हैं। और ये हमारा पूजा हो गया है, पंडित जी ने सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद भी दे दिया है। हम अपने साड़ी और अपना प्रसाद लेके भी घर की तरफ को जा रहे हैं। 12 बज रहा, काफ़ी धूप भी है पर चलेगा, अच्छा लगता है ऐसे टाइम पे भी जब एक साथ पूजा कर रहे होते हैं। और हमें भी मिल गया प्रसाद, मेरे घर में मम्मी भाभी हम सब ने लेडीज लोग ने फास्टिंग की है तो हमको भी उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा प्रसाद मिल गया है। और अभी हम लोग घर रिटर्न आ गए। चलो आज का दिन मेरा बड़ा अच्छा रहा और ऐसे माहौल में ऐसे मिलजुल के पूजा करते रहना चाहिए। मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं तो मैंने उनसे भी ब्लेसिंग्स ले लिया है और चलो आज का दिन मेरा अच्छा रहे। थैंक यू एवरीवन, बाय।